हेलो वेलकम बैक टू टीटी लैब। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे एसएमएस और कॉल हिस्ट्री को बैकअप कर सकते हैं। मतलब कॉल हिस्ट्री का मतलब ये कॉल बटन को क्लिक करने का बाद जो हिस्ट्री आता है ये कॉल हिस्ट्री, और इसके साथ जो एसएमएस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो एसएमएस आ रहा है ना, ये सब एसएमएस अगर आप नए फ़ोन परचेस किया हो उसमें बैकअप कैसे कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, वही मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए पहले जो काम करना पड़ेगा, स्ट्रेट जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने का बाद सर्च करना पड़ेगा यहीं पे एसएमएस बैकअप लिख के। तो एसएमएस बैकअप टाइप कर रहा हूँ मैं, एसएमएस बैकअप। देखो एसएमएस बैकअप फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है, बाद ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। ये जो चीज़ है एसएमएस बैकअप एंड रिस्टोर, जिसका अभी तो रेटिंग है 4.1, आज का डेट में रेटिंग है 4.1 एंड 13 MB, और डाउनलोड हुआ है 10 मिलियन। तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी। ये इंस्टॉल करने के बाद कैसे बैकअप करेगा ये एक बार देख लो। गूगल ड्राइव कहाँ पे है ये देखो, ये होता है गूगल ड्राइव। अगर ये आपका फ़ोन में नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ठीक। फ़ोन परचेस करने का बाद जो जीमेल आईडी लेके आपका आईडी बनता है, वही आईडी इस ड्राइव पे चला जाता है। उस आईडी का अंदर होता है आपका एक क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो छोड़ो ये सब बातें छोड़ो, ये दो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। सोचो आप लोगों का ये एक पुराना फ़ोन है और एक नया फ़ोन आप लोग परचेस किए हो, लेकिन एसएमएस और कॉल हिस्ट्री को बैकअप करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। तो पहले ये जो एसएमएस बैकअप का जो आइकन है इसका ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो वेलकम लिखा है, तो इसके नीचे है गेट स्टार्टेड, इसका ऊपर क्लिक करो। अलाउ बोल के एक ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ कर देना, फिर से अलाउ कर देना, फिर से अलाउ कर देना, फिर से चार बार पूछेगा, चार बार ही अलाउ कर देना। तो स्टार्ट में ही देखो नो बैकअप येट, अभी तक बैकअप नहीं हुआ है, सेटअप अ बैकअप इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा, देखो 173 मैसेज अनप्रोटेक्टेड कॉल लॉग्स अनप्रोटेक्टेड, ऐसा कुछ दो दिखा रहा है, मतलब ये बैकअप होने के लिए तैयार है। व्हाट वुड यू लाइक टू बैकअप। अब नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका ऊपर क्लिक करो। आप बोलेगा कहाँ बैकअप करना चाहते हो, गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, वन ड्राइव पे, सब क्लाउड स्टोरेज है। मैं गूगल ड्राइव पे बैकअप करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ये पुराना फ़ोन है, इस फ़ोन में गूगल ड्राइव पे जो अकाउंट है, मेरा नया जो फ़ोन होगा उसमें भी मैं सेम जीमेल आईडी डालूंगा और उसमें भी गूगल ड्राइव पे सेम अकाउंट होगा, इसलिए मैं गूगल ड्राइव को ऊपर ऑन कर देता हूँ। अब ये लॉगिन बोल के आएगा एक ऑप्शन, जिसका ऊपर क्लिक कर देना चाहिए, और फुल एक्सेस के ऊपर ओके बटन क्लिक कर देना चाहिए। अब देखो ये जो तीनों मेल आईडी है, तो प्राइमरी मेल आईडी है, उसको भी क्लिक करो और ओके बटन दबा दो। ओके बटन दबाने का बाद देखो ये साइन इन हो चुका है, अब लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब साइन इन हो चुका है। अब इसके ऊपर नीचे सेव बटन है, इसके ऊपर मैंने सेव कर लिया, देखो अभी ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट का ऊपर क्लिक करने का बाद सेटअप बैकअप, इसको जो भी मर्जी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो चलो बैकअप नाउ का ऊपर मैंने नहीं, इसको एक बार करना पड़ेगा, शेड्यूल डे ऑफ भी कर सकता हूँ या फिर मैं वीकली कर देता हूँ। तो बैकअप नाउ का ऊपर क्लिक कर दिया, देखो ये देखो बैकअप हो गया है, अपलोडिंग टू गूगल ड्राइव। अभी ये अपलोड, ये देखो 173 मैसेज और ये गूगल ड्राइव अपलोड, बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो सोचो ये पुराना फ़ोन है, इस पुराना फ़ोन पे बैकअप हो गया है, अब नया फ़ोन पे क्या करोगे, ठीक है। अब नया फ़ोन पे क्या करोगे ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सोचो मेरे पास तो दो फ़ोन नहीं है, एक ही फ़ोन है, इसलिए एक ही फ़ोन में मैं दिखा रहा हूँ। सोचो ये अभी नया फ़ोन हो गया है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर दी, ठीक है। अभी सोचो ये मेरा नया फ़ोन है, क्योंकि मेरा पास तो दो फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं एक ही फ़ोन पे दिखा रहा हूँ। तो अभी सोचो ये प्ले स्टोर पे
या और प्ले स्टोर पे जाने के बाद ऊपर सिलेक्ट किया सेम और सेम वो एसएमएस बैकअप और ये जो सेम एप्लीकेशन है। सोचो ये नया फ़ोन पे मैंने अभी ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल हो चुका है नया फ़ोन पे। तो अभी इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अभी जो करना पड़ेगा पहले फ़ोन पे तो बैकअप किया था, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा रिस्टोर, पहले वाला सब अलाउ कर दिया जो किया था, अभी करना पड़ेगा रिस्टोर। जो रिस्टोर ऑप्शन आएगा यहीं पे, इसके ऊपर क्लिक करने का बाद देखो रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, ये रिस्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो लिखा रहा है गूगल ड्राइव लोकेशन। ये जो गूगल ड्राइव लोकेशन है इसका ऊपर क्लिक करना है और फुल एक्सेस टू ऑल फाइल्स एंड फोल्डर ओके, और जिस अकाउंट पे वो अपलोड हुआ था उस अकाउंट से ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद ओके क्लिक करना है, और ओके क्लिक करने का बाद स्कैनिंग होगा और ये जो रिस्टोर है इस रिस्टोर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, देखो टेम्पोरली इसके ऊपर ओके दबाना है और ये दो चीज़ आएगा इसका ऊपर, ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेट एज डिफॉल्ट, ये क्लिक करने का बाद ही सब एसएमएस और सब कॉल लिस्ट आपका फ़ोन पे आ जाएगा। मैं ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा डबल हो सकता है इसलिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। ऐसे ही टीटी लाइव डिफरेंट टेक्निकल हेल्प अनबॉक्सिंग गेमिंग रिव्यू सब कुछ लेके आएगा, ठीक है, देखते रहो टीटी लाइव।